नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और आप देख रहे हैं डेंटल सॉल्यूशंस। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपने नई नई कैप लगवाई है तो ऐसा क्या हुआ कि पहले दांत में दर्द नहीं था, रूट कनाल के बाद दर्द खत्म हो चुका था, लेकिन कैप लगवाने के बाद फिर से आपको दर्द महसूस हो रहा है। और अगर आपने कैप लगवाई है तो किन किन सावधानियों का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि जो आपकी कैप है वो लंबे समय तक चले, उसमें परेशानियां ना आए। तो सबसे पहली बात करते हैं आपकी, जो अगर आपने नई नई कैप लगवाई है उसमें क्यों दर्द हो रहा है। देखिए, रूट कनाल बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि रूट कनाल हमने कराया और दांत के नीचे कुछ इन्फेक्शन होता है जो कुछ समय लेता है जाने में। तो ऐसे केसेस में अगर उस समय से पहले हमने दांत में कैप चढ़ा दी तो क्योंकि अब दांत के ऊपर प्रेशर बनने लग गया, हम खाएंगे तो दांत के ऊपर प्रेशर जाएगा और उस इन्फेक्शन को हिट करेगा, तो ऐसे केसेस में दांत में दर्द हो सकता है। इसके लिए आपको डेंटिस्ट, आपके डेंटिस्ट जो होंगे वो कुछ मेडिसिन देंगे और एक समय के बाद ये दर्द खत्म हो जाएगा। दूसरा केस हो सकता है कि जो आपकी कैप लगी है उसका जो मार्जिन है, जो कैप के मार्जिन है वो रफ है, जो आपके मसूड़े को चुभ रहे हैं। ऐसे केसेस में जब आप खाना खाएंगे तो जो दांत है उसके ऊपर दबाव पड़ेगा और वो जो कैप है उसका मार्जिन मसूड़े में चुभेगा और आपको दर्द महसूस होगा। ऐसे केसेस में कैप को निकाल कर उसके मार्जिन को स्मूथ करके दोबारा लगा सकते हैं। तीसरा पॉइंट हो सकता है कि जो आपकी कैप है वो हाई रह गई है। जब आपने कैप लगवाई तो कोई हाई पॉइंट एक ऐसा रह गया है जो सारे दांतों के मिलने से पहले कैप वाला दांत है वो मिल जा रहा है, उस पर दबाव ज्यादा आ रहा है। ऐसे केस में आपको दर्द होगा। ऐसे केस में जो आपका वो हाई पॉइंट है उसको ट्रिम करके ठीक किया जा सकता है, एक विजिट लगेगी आपकी। चौथा केस हो सकता है कि जो आपका जो कैप है उसके मार्जिन है वो टूथ के ऊपर पूरे नहीं बैठे हैं, मतलब मार्जिन या तो शॉर्ट रह गए हैं या तो ज्यादा है। ऐसे केस में जब आप खाना खाते हैं तो वो मार्जिन से जो खाना है वहां पे फंसता रहता है और वहां पे सड़ता है। पहली चीज तो वो दांत में कैविटी करेगा जो आपका बाकी दांत रह गया है। दूसरी चीज, वो जो खाना है वो आपके मसूड़े में इन्फेक्शन करेगा। ऐसे केस में मसूड़े के इन्फेक्शन की वजह से आपको दांत में दर्द हो सकता है। पांचवी चीज है, जो आपका दांत है वो बगल वाले जो कैप वाला दांत है उन दोनों के बीच में एक गैप रह गया है, यानी जो कैप हमने बिठाई थी वो पूरी फिट नहीं है और आसपास वाले दांतों से उसके बीच में गैप रह गया, तो ऐसे केस में वहां पे खाना फंसेगा, मसूड़े में इन्फेक्शन होगा और आपको दर्द लगेगा। तो ये सब तो वो चीजें थी जो आपके डेंटिस्ट आपको देखेंगे, लेकिन इन चीजों की वजह से दर्द आपको महसूस हो सकता है। तो आपको क्या करना है, जिस समय आपकी कैप लगेगी उसकी फिटिंग को आपको महसूस करना है कि कहीं आपको हाई तो नहीं लग रहा है। अब आपने कैप लगवा ली है, सब कुछ ठीक है, तो अब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। आप कैप लगवा के आए हैं, अभी जिस सीमेंट से कैप चिपकाई जाती है 24 घंटे तक वो सीमेंट पूरी तरह सेट होता है, तो 24 घंटे तक आपको बहुत ज्यादा हार्ड फूड नहीं खाना है, चिपकने वाला फूड बिल्कुल नहीं खाना है। कुछ भी अगर आपने चिपकने वाला फूड खाया तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो आपकी कैप है वो निकल जाएगी। दूसरी चीज, जो कैप का मार्जिन होता है या जो कैप होती है उसकी सरफेस नॉर्मल दांत की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा रफ होती है, तो उसमें क्या है, दांत के ऊपर खाना चिपकने का चांस ज्यादा होता है। अब कैप के ऊपर ज्यादा खाना चिपकेगा, नॉर्मल दांत के ऊपर कम खाना चिपकेगा, तो ऐसे केस में आपको दांत की सफाई पर ज्यादा ध्यान देना है। जो आपने कैप लगवाया उसकी सफाई पर आपको ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि उसकी सरफेस रफ है, खाना फंसने का चांस वहां पर ज्यादा है। और क्या ध्यान देना है, खाना जो आप खा रहे हैं उसमें स्टिकी फूड जैसे च्युइंगम, गुड़ की चिक्की, ये सब नहीं खाना है लंबे समय तक। वो खाने की जो चिपचिपाहट है वो आपकी कैप को निकाल के बाहर कर सकती है। कई बार आपको पता नहीं चलेगा, कैप बहुत सारे लोगों में अंदर भी चले जाती है, तो वो आपको अवॉइड करना है। बहुत ज्यादा हार्ड फूड आपको नहीं खाना है, जैसे नॉनवेज हो गया, आप नॉनवेज की हड्डी कई बार लोग कैप के वाले दांत से चबा देते हैं और कैप टूट जाती है, तो इसका ध्यान रखना है। तो अगर आपने दांत में कैप लगवाया है वो कितने टाइप का हो सकता है, उसका क्या प्रोसीजर है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। ये थी दांत से जुड़ी कुछ सावधानियां। तो अगर आपका इससे रिलेटेड, कैप से रिलेटेड कोई और डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।